हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स मैजिक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 से 4 साल के बच्चों को हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या खिलाना चाहिए। बड़े हो या बच्चे, सबके लिए ही ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मील होता है हमारे पूरे दिन के मील में से, क्योंकि हम 8-10 घंटे के बाद कुछ खा रहे होते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट एक हेल्दी भी होना चाहिए, हैवी भी होना चाहिए एंड एक न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। तो इस तरह का ब्रेकफास्ट ज़रूर आप अपने बच्चों को खिलाइए। 2 से 4 साल के बच्चों को आप क्या क्या खिला सकते हो? आप पोहा खिला सकते हो, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है। आप उपमा खिला सकते हो, मिक्स वेजिटेबल उपमा, बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। वेजिटेबल भी बच्चे के इस बहाने खाई जाती हैं, तो वो उपमा खिला सकते हो। आप जवे खिला सकते हो, नमकीन जवे खिला सकते हो। अगर आपके बच्चे को मीठा पसंद है तो आप मीठी सेवियाँ भी बच्चों को बना के खिला सकते हो। एंड आप पराठे भी खिला सकते हो, आलू का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी का पराठा, मिक्स पराठा, ये सब पराठे आप खिला सकते हो। या फिर आप पूरी सब्जी बच्चे को खिला सकते हो। जैसे आपने सूखे आलू बना लिए या आलू की नॉर्मल रसे वाली सब्जी बना ली, उसके साथ पूरी बना ली, तो वो भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो वो भी आप खिला सकते हो। आप सैंडविचेस भी दे सकते हो बच्चों को एक दिन में, या तो वेजिटेबल सैंडविच बना लो या आलू वाले सैंडविचेस बना लो। लेकिन बच्चों के सैंडविचेस जब आप बनाओगे, 2 से 4 साल तक के बच्चों के सैंडविचेस आप तवे पे सेक के बनाओ और उनके किनारे जो होते हैं ब्रेड के वो काट दो, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं किनारे उतने इस हिसाब से जो साइड्स होती हैं ब्रेड की, एंड वो आप हटा दो। एंड तवे पे जब हम सेकते हैं तो थोड़े सॉफ्ट सिकते हैं, तो बच्चों के लिए खाने में इजी होते हैं। टोस्टर में थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, जो बच्चों को खाने में थोड़ा मुश्किल करते हैं। तो आप बच्चों को इडली सांभर खिला सकते हो, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है, बच्चे आसानी से खा लेते हैं। वाली स्टफ्ड इडली बना सकते हो, आलू या फिर वेजिटेबल वाली स्टफ्ड इडली बना लो, वो बच्चों आराम से खा सकते हैं। चटनी के साथ कोकोनट चटनी बना सकते हो, पीनट चटनी के साथ आप बच्चों को दे सकते हो। आप चीला बना सकते हो बच्चों के लिए, सूजी पनीर चीला बहुत सॉफ्ट बनता है, बच्चे के मुंह में घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है वो। तो आप वो खिला सकते हो बच्चों को। एंड बेसन का चीला खिला सकते हो, वेजिटेबल चीला जो होता है वो, आप आलू बेसन वाला सिर्फ चीला बना के खिला सकते हो। समर्स में स्पेशली फ्रूट्स खाना भी बहुत अच्छा होता है, तो आप बच्चों को फ्रूट्स दे सकते हो। और अगर आपके बच्चे इस तरह से फ्रूट्स नहीं खाते तो आप उन्हें शेक बना के दे सकते हो। मैंगो शेक दे दो, बनाना शेक दे दो, स्ट्रॉबेरी शेक आप बना के दे सकते हो। तो इस तरह से भी आप ब्रेकफास्ट में उनको शेक भी दे सकते हो। एंड आप उसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स पाउडर होता है ना, जो हम बच्चों के मिल्क में डालते हैं, वो आप शेक में भी डाल सकते हो उसको और हेल्दी बनाने के लिए। एंड आप बच्चों को स्मूदीज दे सकते हो, जैसे आप कीवी की स्मूदी बना सकते हो, आप स्ट्रॉबेरी की स्मूदी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप 2 से 4 साल के बच्चों को आसानी से खिला सकते हो। तो बेसिकली 8 से 10 ब्रेकफास्ट ऐसे होते हैं जो आप बच्चों को बड़ी आसानी से खिला सकते हो, उनके लिए बहुत टेस्टी भी होंगे, बहुत हेल्दी भी होंगे, बहुत न्यूट्रिशियस भी होंगे। एंड आप लिख लो या अपनी किचन में लगा लो कि आज मंडे है, आज मुझे बेबी को ये देना है, आज ट्यूसडे है तो आज मुझे ये ब्रेकफास्ट बनाना है। बेसिकली मैंने ऐसे किया हुआ है। 2 साल से ऊपर के बच्चे ना नॉर्मल सॉलिड फूड पे आ जाते हैं, मतलब जो चीज़ें हम खाते हैं ना, बच्चे धीरे धीरे वही चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको कोई सेपरेट ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे अभी लॉकडाउन है, हाउस हेल्पर्स भी नहीं है, सबके लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप कोई ऐसा ब्रेकफास्ट चूज़ करो, ऐसे ब्रेकफास्ट की लिस्ट बनाओ जो आपका बच्चा भी खा ले और आपके घर में बाकी लोग भी खा लें, सबके लिए हेल्दी होगा, सबके लिए न्यूट्रिशियस। एंड जो ब्रेकफास्ट मैंने आपको बताए हैं ना, ये सब लोग खा सकते हैं घर में, ऐसा नहीं है कि बच्चे को ही देना है। तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा, बच्चा भी खुश हो जाएगा, बाकी के लोग भी खुशी से खा लेंगे। तो इस तरह से आप 2 से 4 साल के बच्चों को ये सारी चीज़ें दे सकते हो। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप 2 साल के बच्चे के लिए कोई ब्रेकफास्ट बना रहे हो, तो आप उसे थोड़ा सॉगी रखो, थोड़ा गीला रखो ब्रेकफास्ट को। मतलब जो भी आप डिश बना रहे हो, लाइक अगर आपने उपमा बनाया है तो उसको बिल्कुल ड्राई मत करो, थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए। आपने जैसे पोहा बनाया है तो बिल्कुल सॉफ्ट पोहा होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब गीला गीला, सौगी सौगी सा होना चाहिए, बिल्कुल खिला खिला पोहा नहीं होना चाहिए। 2 साल का बच्चा खिला खिला पोहा खाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, कोई भी खिली खिली चीज़ें जो होती है ना, वो बच्चे जल्दी से नहीं खाते हैं। तो आप जितना मतलब कोशिश करें कि जो 2 साल का बच्चा है उसके लिए एक थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएं बस, तो वो आसानी से इन सारे ब्रेकफास्ट को खा लेगा जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो और पोहे की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हो, या जो भी ब्रेकफास्ट रेसिपी मैंने आपको बताई है उनमें से कुछ की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं और उस तरह से छोटे बच्चों के लिए बना के उनको खिला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे प्रेस करने के आपको ऑल पे क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।